हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शिवानी, और काफ़ी टाइम पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि दी आप इवनिंग रूटीन जो आपके पूजा का होता है वो ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो होगी हमारी इवनिंग पूजा रूटीन पर बेस्ड। मैं कैसे पूजा करती हूँ, इवनिंग में जो संध्या आरती होती है वो कैसे करती हूँ, तो यही सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, शाम को जो संध्या का टाइम होता है 7:30 बजे मैं आरती करती हूँ। हाथ मुँह मैंने अच्छे से धो लिए हैं और बस देखिए यहाँ पर मैं दीपक लगा रही हूँ। तो मैंने जो बाती है घी की ऑलरेडी कुछ बनाकर रखी हुई है, मैंने घी भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर दिए पे बाती लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं। और जो भी थोड़ा सा तेल घी ऐड करना है वो मैं दिए में ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो जो बाती मैं बनाकर रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर में ही मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये डिब्बा है बाती का और इसमें मैंने ऑलरेडी घी डाला हुआ है। तो घी की बाती है ये, बस जब मुझे आरती करनी होती है तो मैं एक बाती निकाल के दिए पे लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, आरती स्टार्ट करने से पहले जो भी मंत्र आपको आता है गणपति जी का हो या जो भी पाठ आप करते हैं वो कर सकते हैं। मैं श्री कृष्णाष्टम पाठ करती हूँ तो वो भी मैं बता देती हूँ। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपक्षि गुक्ष मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम कदंब सून कुंडलम सुचार गंड मंडलम विजंग नेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्बलम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। तो फ्रेंड्स, ये श्री कृष्ण अष्टकम पाठ मैं कर लेती हूँ। पूरा पाठ मैंने यहाँ पर वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बस थोड़ा ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता दिया है कि मेरा इवनिंग रूटीन जो है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर मैंने दिया रेडी कर लिया है और बस अब हम आरती करेंगे। तो धूप भी मैंने लगा दी है, अब हम कर लेते हैं आरती। तो आरती में कोई भी आप आरती कर सकते हैं, मैं दो आरती करती हूँ वो बता देती हूँ। या तो आरती कुंज बिहारी की या तो बांके बिहारी की, तो दोनों में से कोई भी एक आरती आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आरती करना आप स्टार्ट कर देते हैं। आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी
जीवन प्यारे साथ आप हो हर चरणों बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो फ्रेंड्स, हमारी इवनिंग आरती हो गई, थोड़ा सा भजन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ एक और दीपक, जो मैं जलाऊंगी तुलसी जी के पास। तो अब मैं तैयार कर लेती हूँ दीपक। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से की है मैंने आरती, बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे पाठ पूजा करना पसंद है, बस भाव जो है हमारे प्रभु वही देखते हैं। तो मुझसे जितना बनता है, जितना मुझे पता है, उस हिसाब से ही मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पाठ पूजा करती हूँ। फिर देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गया है संध्या का टाइम, आप देख ही सकते हैं। अब मैं तुलसी जी के पास ये दीपक जला दूंगी। फ्रेंड्स, अब तुलसी जी के पास भी दीपक लगा दिया है और बस अब थोड़ी देर बाद लड्डू को मैं लगाऊंगी दूध का भोग। और दूध के भोग के बाद फिर 8:30 बजे मैं उनको शाम का जो हमारा रात का खाना होता है, रात का भोग लगाऊंगी और फिर 9 बजे तक लड्डू शयन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।